लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड किडनी डे पर। डायबिटीज के कारण किडनी पर क्या असर पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा ये है क्योंकि 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी की सेहत और किडनी की बीमारियों के लोगों को जागरूक करने के मकसद से वर्ल्ड किडनी दिवस का खास महत्व है। किडनी मानव शरीर में एक जरूरी अंग है। इसका काम है शरीर में ऊर्जा और पानी के स्तर को नियंत्रित करना और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम भी करती है। किडनी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखती है और ऊर्जा के स्तर को भी बैलेंस करती है। किडनी कई ऐसे हार्मोन्स को बैलेंस करती है जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण, हाई बीपी को कंट्रोल करने और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अगर किडनी बीमारी हो जाए तो कई शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण किडनी को बुरा असर पड़ता है। वहीं आज हर 5 में से 2 लोगों को हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या है। ऐसे में समझना जरूरी है कि डायबिटीज का किडनी पर क्या असर पड़ता है। किडनी पर डायबिटीज का क्या असर पड़ता है मैं आपको बता रहा हूं। डायबिटीज को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो एक किडनी पर बुरा असर छोड़ सकती है। अगर मरीज को डायबिटीज है तो उसकी किडनी को ये नुकसान हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को नेफ्रोपैथी की समस्या हो सकती है। इसमें किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। नेफ्रोपैथी के कारण हाई ब्लड शुगर लेवल और हाई बीपी की समस्या होने लगती है। डायबिटीज रोगियों में किडनी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है तो मरीज को जल्दी किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज रोगियों में नेफ्रोपैथी की समस्या होती है। नेफ्रोपैथी के कारण यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है जिससे प्रोटीनूरिया कहा जाता है। ये किडनी की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर की एनर्जी और पोषण को प्रभावित कर सकते हैं। डायबिटीज के कारण कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे तत्वों को एब्जॉर्ब करने में किडनी को अधिक जोर लगाना पड़ता है। डायबिटीज में किडनी की बीमारियों से कैसे बचें, ये आपके लिए खास है। अगर आपको अभी इनिशियल आपको डायबिटीज शुरू हुआ है तो आप केयर करेंगे तो आपकी किडनी आपकी सेफ रहेगी। आप केयर करेंगे तो डायबिटीज में रक्त मतलब ब्लड शुगर का स्तर को कंट्रोल रखना महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से मिलकर नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं और उनकी सलाह का पालन करें। स्वस्थ आहार का सेवन करें और प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, फल और सब्जियों का सेवन करें। उच्च कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। नियमित योगा, एक्सरसाइज डायबिटीज और किडनी स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है। योग, एक्सरसाइज, स्विमिंग और पैदल चलने का नियम बनाएं। अपने डॉक्टर के निर्देश के अनुसार डायबिटीज की दवाओं का सही रूप से सेवन करें। किडनी की सेहत को हानि पहुंचाने वाली दवाओं का सेवन ना करें। अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप कराएं और किडनी संबंधित परीक्षण कराएं। सॉरी, डायबिटीज और किडनी की सेहत को निगरानी में रखना जरूरी है। शराब और धूम्रपान को छोड़ें क्योंकि ये किडनी के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए सही आहार, एक्सरसाइज और नियमित चेकअप कराएं। अत्यधिक वजन किडनी के लिए बुरा साबित हो सकता है। किडनी की समस्याओं से बचने के लिए समय समय पर डायबिटीज की जांच कराएं, हेल्दी डाइट लें और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें और अपनी डायबिटीज का केयर करें। आप डायबिटीज का केयर करेंगे तो डायबिटीज फिर आपका केयर करेगी। आप केयर नहीं करेंगे डायबिटीज का तो कौन केयर करेगा? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।